नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद ऑर्गेनिक। चले दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज है 22 सितंबर और टाइम हो रहा दिन के 1:30 बजे रहा, लाइव मार्केट ओपन है। एक शेयर ऐसा है कि जिसके अंदर एक न्यूज़ आई है, तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग वो शेयर आज 6% की तेजी तक भाग चुका है। क्या अभी भी इसमें आप सही समय बाय करने का नहीं है और समझते हैं? तो बेसिकली जो मैंने देखिए, मैंने गूगल पर ओपन कर लिया है। कंपनी का नाम है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो अभी कंपनी और ट्रेड कर रहा है 5.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है शेयर। ठीक है, ये देखिए इतनी तेज़ी भागने की वजह क्या है ये, और समझाऊंगा थोड़ी देर में क्या न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग। तो ये आज देखिए ओपन होता है, ओवरव्यू समझते पहले शेयर का। तो कंपनी का काम क्या है? बेसिकली कंपनी जो हाउसिंग जो होते हैं उनको फाइनेंस करती है, यानी कि आप कुछ भी अपार्टमेंट कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब EMI पे लेते हैं तो इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड उसको फाइनेंस करती है। तो कुछ आपको फाइनेंस कंपनी है, NBCC कंपनी है ये। ठीक है, तो ये ओपन होता है 209.75 रुपये पे, हाई मारता 221 रुपये, लो मारता 209.75 रुपये, 52 हाई है 313 रुपये, 52 लो है 127.75 रुपये का। ठीक है, ये तो कंपनी का ओवरव्यू है। कंपनी कब से 2000 से रनिंग में कंपनी। ठीक है, गुड़गांव में इनका टोटल वो है, गुड़गांव में इनका हेड ऑफिस है। ठीक है, हेडक्वार्टर है इनका। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का ये ओवरव्यू हो गया शेयर का, आज किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, क्या अभी भी और समय है, क्या वजह है, क्यों भाग रहा है, ये आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ मैं आपको। तो बेसिकली इंडिया बुल हाउसिंग का ये मैं स्क्रीन के साइड पर आ चुका हूँ। ये देखिए मार्केट कैप है 9,639 करोड़ रुपये का। इसका ROIC भी अच्छा है, बुक वैल्यू 349 है। ठीक है, ROE भी अच्छा है इसका, फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये की है। ये काफ़ी अच्छा यानी कंपनी का ओवरव्यू अच्छा है। कंपनी के प्लस पॉइंट समझते हैं पहले। कंपनी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 0.6 टाइम वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, और कंपनी अपना डिविडेंड देने में मेंटेन कर रही है। एवरी ईयर कंपनी डिविडेंड पेइंग कर रही है। अभी तक कंपनी ने 44.74% अभी तक डिविडेंड पे कर चुकी कंपनी। अब मैं थोड़ा आपको क्वार्टर वाइज समझा देता हूँ। तो देखिए क्वार्टर वाइज रिजल्ट देखिए, दिसंबर के अंदर उन्होंने 461 करोड़ रुपये का प्रॉफिट जनरेट किया था, वही मार्च के अंदर 329 करोड़ का, वही जून के अंदर 383 करोड़ रुपये का, यानी कि मार्च क्वार्टर से प्रॉफिट अच्छा किया था उन्होंने। ठीक है, वहीं जून के अंदर देखेंगे तो जून ईयर ईयर वाइज देखेंगे तो 377 था, क्वार्टर वाइज देखेंगे तो ईयर वाइज देखेंगे 383, यानी 10% की ग्रोथ के साथ इन्होंने। और वैसे इन्होंने इस क्वार्टर बाई क्वार्टर दिया था, मार्च क्वार्टर का ऑर्डरिंग दिया था, तो अब भी अच्छा प्रॉफिट था, प्लस में था। ईयर वाइज देखेंगे तो भी अच्छा, क्योंकि जून क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था काफ़ी अच्छा आया था इसका। तो उस क्वार्टर के अंदर इन्होंने नेट प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट किया था, उसमें इनका EPS भी अच्छा है और EPS भी अच्छा इनका 6.09। ठीक है, अब ईयर वाइज समझते हैं। तो ईयर वाइज भी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग चली, बाकी कंपनी में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलता है कोविड के चलते, हर कंपनी का धंधा थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो कोई वो नहीं है, बस कंपनी अच्छी है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, कंपनी डिविडेंड दे रही है, ये भी काफ़ी अच्छे प्लस पॉइंट है। आप इस कंपनी के अंदर आप बाय कर भी छोड़ देंगे तो भी आपको डिविडेंड के थ्रू इसमें अच्छी अर्निंग मिलती रहेगी इसके अंदर। तो ये कंपनी का ओवरव्यू है। फाइनेंशियली आप देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर ये देखिए ईयर वाइज भी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, रेवेन्यू अच्छा कर रही है, थोड़ा कम बढ़ती हो रही है, बाकी 9,000, 10,000 ये देखिए एवरी ईयर रेवेन्यू अच्छा है कंपनी का। और अब मुझे लगता है 2022 मार्च के अंदर इसका काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आएगा, ईयर वाइज काफ़ी अच्छा रेवेन्यू देगा, तो ये शेयर बहुत तेज़ी से और अप ट्रेंड की तरफ भागेगा, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है। ठीक है, कंपनी अच्छी ग्रोथ पे काम कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, लाइबिलिटीज़ पर थोड़ी बहुत देखिए, लाइबिलिटीज़ ने कम करी है मार्च 2020 के अंदर, इसके अंदर देखिए 1 लाख की थी, वही मार्च 2021 के अंदर 93,000 की लाइबिलिटीज़ हो गई है। ठीक है, तो ये लाइबिलिटीज़ धीरे धीरे कम करिए, ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि लाइबिलिटीज अपनी कम कर रहा है। देखिए मार्च 2019 के अंदर 101,30,000 थी, वहीं मार्च 2020 के अंदर इन्होंने इतनी करी, यानी कि एवरी ईयर अपनी लाइबिलिटीज भी कम कर रहे, डिविडेंड भी दे रहे हैं, यानी सब चीज़ें अच्छा कर रहे हैं, यानी कि कंपनी अपनी लाइबिलिटीज कम करी, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये तो ओवरव्यू होगा कंपनी का फाइनेंशली, बाकी अभी जब रिजल्ट आएगा तो काफ़ी अच्छा अपमूव आएगा। अब समझते हैं इसके अंदर क्या न्यूज़ थी, किस न्यूज़ की वजह से भाग रहा है। तो इन्होंने फ्राइडे को इन्होंने अपडेट करा है कि भैया हमने 808 करोड़ रुपये NCD से प्राप्त करें, NCD से इन्होंने जनरेट करें 808 करोड़ रुपये।
ठीक है। लॉट साइज जो इन्होंने बेस इश्यू साइज था, इन्होंने 200 करोड़ का स्टार्ट किया था, 200 करोड़ से लेके 800 करोड़ तक किया था, मगर उसमें इन्होंने जो इन्होंने इनकम करी है, इन्होंने राइज करा फंड, तो वो 808 करोड़ रुपये का हो गया इनके पास, ठीक है। ये NCDs क्या होते हैं, ये आपको समझा, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के द्वारा इन्होंने 800 करोड़ रुपये जनरेट करे, ठीक है। रिटेल कैटेगरी के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन हुए थे इनके दो, यानी कि रिटेलर ने भी इसको इशू साइज जो हुआ था उसके अंदर काफ़ी अच्छा इन्होंने इशू साइज निकाला था पिछले उसमें, तो उसमें इन्होंने अच्छा रेवेन्यू इशू साइज का पूरा फुलफिल हुआ है, तो उसके माध्यम से इन्होंने 808 करोड़ रुपये जनरेट करे, ठीक है। तो ये हो गया ओवरव्यू, हो गया नॉन डिवेंचर के द्वारा इन्होंने करा था। तो और इन्होंने क्या चेंज करा था इसके अंदर, ये देखिए, इन्होंने FCCB द्वारा इन्होंने, यानी कि ये भी, यानी इन्होंने फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को भी इन्होंने सिक्योरिटीज कमिटेड कंपनी के हेल्ड करा था इन्होंने, यानी कि उसको कन्वर्ट कर लिया था उन लोगों ने, ठीक है। इनको भी उसको कन्वर्ट कर लिया इन्होंने, तो इसलिए इन्होंने 808 करोड़ रुपये का राइज करा फंड, ठीक है। ये इस वजह से ये कंपनी शेयर आज भाग रहा है, और कोई वजह नहीं है। और मुझे लगता है कि ये देखिए, आज जो भागा ये फुल्ली पेड प्राइस हो गया इसका, यानी कि अपने बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग धीरे धीरे टच करेगा ये डिविडेंड। डेवलपमेंट कंपनी सक्सेसफुली राइज, इतना कंपनी ने जो इशू करा था वो NCDs के द्वारा इन्होंने 808 करोड़ पे जनरेट कर लिए, काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और इतना फंड आना बहुत बड़ी बात है, कंपनी के अंदर इतना फंड आया तो लायबिलिटी कम होगी तो कंपनी और भी अच्छी ग्रोथ करेगी, ठीक है। अब ओवरव्यू समझते हैं, मैं टिकट टेप के साइड पर आ चुका हूँ। ये देखिए ओवरव्यू है कंपनी का, होम फाइनेंसिंग करती है 50% एलआईसी में, बोले सब बाय करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए एवरी ईयर प्रॉफिट मेकिंग चल रही है कंपनी, ये भी अच्छी बात है। रेवेन्यू थोड़ा बहुत अप डाउन चला बाकी है। अब थोड़ा चार्ट पे समझ लेते हैं कंपनी के बारे में। तो ये मैंने इसका डेली चार्ट ओपन कर लिया। अब जो यहाँ पे कैंडल बुलिश हो रही है, बुलिश इन्वर्टेड हैमर कैंडल बुलिश ट्रेंड हो रही है आज की डेट पे, ये न्यूज़ के अकॉर्डिंग, तो मुझे लगता है कि ये देखिए यहाँ पे ये इसका RSI का डाउनफॉल था, एकदम से अप ट्रेंड की तरफ आ चुका है। MACD भी अप ट्रेंड की तरफ आ चुका है, इसके देखिए यहाँ क्रॉस मूविंग को टच करके वापस जाने को तैयार बैठा हुआ है, ठीक है। 21 दिन की एवरेज मूविंग को टच होकर वापस जाने वाला है, इंडिकेशन दे रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है इस कैंडल को, देखिए ये कैंडल इसी सेम कैंडल पर फॉर्मेट हो रही है, ये जितनी कैंडल इस कैंडल के अकॉर्डिंग बनेगा। तो मुझे जो लगता है इसमें पहला टारगेट जो आएगा 225 रुपये का, दूसरा टारगेट आएगा जो कि इस कैंडल को सपोर्ट ले रहा है, इस कैंडल को अकॉर्डिंग फिर से बढ़ेगा, तो इस कैंडल को पूरा भरेगा इस टाइम पे, क्योंकि जितना कॉन्सलेट होना था, जितना इसमें प्रॉफिट होगा वो हो चुकी है। और न्यूज़ का जो इंतजार कर रहे थे लोग, एक न्यूज़ आई है जो इनका फंड चाहिए था, वो फंड इनको मिल चुका है। तो मुझे लगता है कि अब ये 225 जैसी पार करेगा, 235 भी पार करेगा, 245 भी पार करेगा। ये मुझे लगता है कि आने वाले एक महीने के अंदर तीनों टारगेट अचीव होंगे, क्योंकि 250 तक का लेवल इसमें ईजी दिख रहा है, क्योंकि इस कैंडल के अकॉर्डिंग चलेगा ये अब, क्योंकि बुली कैंडल तो यहाँ ट्रेड हो रही है। मैं चार्ट पे देखते हैं ना सपोर्ट लेता है ये, हम लोग बोलते हैं कई लोग हम चार्ट पे सपोर्ट ले रहा है पिछले अकॉर्डिंग, ये देखिए यहाँ पे इस कैंडल पे इन्हें सपोर्ट लिया, क्योंकि यहाँ भी हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग थी, तो यहाँ पे इन्हें सपोर्ट लिया। और ये जल्दी आपको 250 तक के लेवल दिखाएगा, पहला टारगेट 225 रुपये के साथ वो आज ही आ सकता है, दूसरा टारगेट 235 रुपये का, तीसरा टारगेट 245 रुपये का। इन तीन टारगेट आप बाय करिए, और आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है वो बता देता हूँ मैं आपको। स्टॉप लॉस आपको रखना है 208 रुपये का, ठीक है। 208 रुपये के स्टॉप लॉस से आप बाय करिए, ज़्यादातर 207 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करिए, और पेशेंस साथ बने रहिए। आने वाले एक महीने के अंदर आपको तीनों टारगेट अचीव होंगे। आई होप ये वीडियो आपको, प्लीज़ वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।